हैप्पी दशहरा टू ऑल, वेलकम टू द ध्रुवराज ब्लॉग्स। आज हम आए हैं रावण दहन 2020 का वीडियो शूट करने, और पीछे आप देख रहे हैं कि होलकर वंश से भी यहाँ पर रीति रिवाज चल रहा है कि यहाँ पर आते हैं होलकर वंश से और रावण का दहन करने, राम जी। और सब पीछे देख रहे हैं आप, बहुत ही उमंग का माहौल है, और हमें भी विशेष एंट्री के द्वारा अंदर किया गया है शर्मा जी के द्वारा। और अब पूरा वीडियो चालू। सो गाइज, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने हाउ टू मेकिंग रावण 2020 इन दशहरा मैदान में वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से पहला पार्ट उसका देख सकते हैं, हैप्पी दशहरा। और पूरा अच्छा है माहौल, अब पूरा दहन होते हुए दिखाऊंगा आपको। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। सो गाइस, आप देख रहे हैं कि होलकर वंश के द्वारा यहाँ पे रावण दहन करने हैं, तो अभी पूजा चल रही है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा माहौल है। सो गाइस, यहाँ पर पूरा कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य है, और प्रोटेक्शन का भी पूरा ध्यान रखा गया है। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, वाटर सप्लाई, पूरा यहाँ पे ध्यान रखा गया है। और 7 बजे रावण का दहन होगा, तो आई होप। सो गाइस, आप देख रहे हैं कि पूरा रेलिंग वगैरह, पूरा पांडाल तैयार हो गया है, और धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ रही है। 7 बजे रावण का दहन होने वाला है, और मीडिया भी आ चुकी है यहाँ पे, तो वो भी हमें देख रही थी कि बोले ये क्या हो रहा है। हमने बोल दिया, पर हम मीडिया से नहीं है, यूट्यूब चैनल है ध्रुवराज ब्लॉग्स, उन्हें भी बोल दिया कि वो भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत ही अच्छा माहौल है, मज़ा आ रहा है, और रावण दहन होते भी दिखाएंगे वीडियो। थैंक यू। सो गाइज, यहाँ पर प्रिकॉशन को लेकर अनाउंसमेंट हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना को लेकर कि क्या करना है, मास्क लगाना अनिवार्य है। और आपने व्यू देखा, उसमें भी यहाँ पर लंका बनती थी, लंका और वानर सेना वगैरह इस बार कुछ नहीं आई, श्री राम लीला भी होती थी, थोड़ा सुना सुना लग रहा है। सो गाइज, आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय पास आता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। आप देख रहे हैं, कोरोना नहीं था तो उसके बाद, उसके पहले बहुत ही ज़्यादा हज़ारों में यहाँ पर आते थे। इंदौर में सबसे बड़ा रावण यही बनता था, मैंने जैसे बताया पहले वीडियो में, तो आप वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू, लाइक करें, सपोर्ट करें, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, डायरेक्ट प्रसारण। दहन देखने हेतु फरारी जनता से निवेदन है, आप एक निश्चित दूरी बनाकर ही खड़े रहे, अथवा जो बैठे ही हैं वो भी निश्चित दूरी बनाकर ही बैठे। सभी लोगों से निवेदन है, मास्क जरूर लगाएं। सो गाइस, राम जी आ चुके हैं, आप देख रहे हैं पीछे हनुमान जी भी है, थोड़े पतले हैं पर तो ठीक है। कार से आए हैं राम जी, तो आप देख रहे हैं कि राम जी जाता हुआ, राम जी अंदर जा रहे हैं। गाइस, अब 10 मिनट बचे हैं रावण दहन के लिए, पब्लिक भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और नारे लग रहे हैं, जय श्री राम से दादा नारे लगवा रहे हैं। सो गाइस, अब 5 मिनट बचे हैं रावण दहन के लिए, अब पीछे तैयारी हो रही है, सब देख सकते हैं आप, पीछे पूरा है, और जनता भी बढ़ चुकी है, बहुत नारे लगवा रहे हैं दादा।
सो गाइज, आपने देखा कि अभी रावण का दहन हो चुका है और बहुत ही अच्छा माहौल है, भीड़ भी बहुत है और कोरोना को लेकर प्रिकॉशन भी रखे गए हैं। मैंने जैसा बताया था कि फर्स्ट पार्ट भी देखिए इसका, और ये सेकंड पार्ट है, आज रात में आएगा 10 बजे। तो इसके भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। और अगले व्लॉग में भी ऐसा ही इंटरटेनमेंट होगा। थैंक यू। जय श्री राम।